10 जनवरी से बूस्टर डोज लगने की शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल वैक्सीन की ये तीसरी डोज हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ साथ 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को दी जा रही है। ऐसे में लोगों के मन में बूस्टर डोज को लेकर कई सवाल हैं। आज तक क्विक एक्सप्लेन में हम आपको आज उन सभी सवालों के जवाब देंगे, बताएंगे कि क्या 60 साल से ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्गों को बूस्टर डोज दी जाएगी, बूस्टर और वैक्सीन की दूसरी डोज में कितना गैप होना चाहिए, क्या बूस्टर डोज के दायरे में आते हैं या नहीं, इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं क्या 60 साल से ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्गों को लगेगी बूस्टर डोज। जी नहीं, फिलहाल बूस्टर डोज 60 साल से ऊपर के सिर्फ ऐसे बुजुर्गों को दी जाएगी जो हार्ट डिजीज, डायबिटीज जैसी किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ऐसे लोग तीसरी डोज ले सकते हैं। बूस्टर और वैक्सीन की दूसरी डोज में कितना गैप होना चाहिए, इसका जवाब है 9 महीने। यानी अगर आपने 9 महीने पहले कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली थी तभी आप बूस्टर डोज ले पाएंगे। वैक्सीन की दूसरी डोज और बूस्टर डोज में 9 महीने का गैप जरूरी है। कौन सी वैक्सीन दी जाएगी? बूस्टर डोज में आपको वही वैक्सीन दी जाएगी जिसकी पहली 2 खुराक आप ले चुके हैं। अगर पहली 2 डोज कोवैक्सीन की लगी है तो तीसरी डोज भी कोवैक्सीन की ही लगेगी। ऐसे में अगर पहली 2 डोज कोविशील्ड की लगवाई होगी तो तीसरी डोज भी कोविशील्ड की ही लगेगी। क्या आप बूस्टर डोज के दायरे में हैं? अगर आप तीसरी डोज के दायरे में आते हैं तो सरकार की ओर से आपको एक मैसेज भेजा जाएगा। तीसरी डोज का ये मैसेज कोविन प्लेटफॉर्म की ओर से भेजा जाएगा। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? बूस्टर डोज के लिए अब फिर से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय से मैसेज आने के बाद आप कोविन के जरिए बूस्टर डोज के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं। बूस्टर डोज का सर्टिफिकेट भी मिलेगा? जी हाँ, वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज की तरह बूस्टर डोज लेने के बाद भी सर्टिफिकेट आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल आज तक।